फ्रेंड्स, अभी अभी खबर आई है कि हरियाणा हरिकेन कहलाने वाले मिस्टर कपिल देव की एंजियोप्लास्टी की सर्जरी चल रही है, जो कि उनकी फोर्टिस हॉस्पिटल में हो रही है। वो हैं 61 इयर्स के। अभी अभी ये खबर आई है, सुनकर बहुत ही अचंभव की बात है कि वो इतने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, वो अभी भी गोल्फ खेलते हैं, उनका बहुत ही ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल है, फिर भी उनको ये प्रॉब्लम हुई। हार्ट प्रॉब्लम होती है आपकी ज्यादा मात्रा में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाने से, जो मैंने आपको पहले बताया है। इसमें पूरे कोलेस्ट्रॉल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सिर्फ ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं हमारे। ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं आपके गंदे तेल और ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स खाने की वजह से। तो जैसे कि अभी कपिल देव की न्यूज आ रही है, ये बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली है कि आप देखिए कि उनका कितना ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल है, और वो 61 इयर्स के हैं, और वो इंडिया के फास्ट बॉलर रह चुके हैं, वो इंडिया के कैप्टन भी रह चुके हैं बहुत टाइम तक इंडियन टीम के। उन्होंने हमारे को वर्ल्ड कप भी जिताया 83 में। अब कभी भी हम सोचते हैं तो हमें यही कपिल देव की इतनी सारी विनिंग याद आती है, और आज देखिए उनकी ये हालत है। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण गंदा तेल का सेवन है और बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, जो मैं आपको बहुत बार अपने अलग अलग वीडियो में बताती आई हूँ। तो अब हम चाहते हैं कि कपिल देव की जल्दी रिकवरी हो जाए, उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, उसको और ज्यादा प्रॉब्लम ना करनी पड़े। और फ्रेंड्स, आप भी इसे सीखिए और अपना लाइफस्टाइल आप इम्प्रूव कीजिए। प्रॉब्लम्स उनको इसलिए आई क्योंकि वो ज्यादा तेल का सेवन, गंदे तेल का सेवन कर रहे होंगे और कार्बोहाइड्रेट्स का भी ज्यादा सेवन कर रहे होंगे, क्योंकि उनको बहुत टाइम से डायबिटीज की प्रॉब्लम भी है। तो ये डायबिटीज भी इसी सब की वजह से ही होती है। तो अगर उनको डायबिटीज इतने टाइम से थी, उनको पहले अपने खाने बदल लेना चाहिए था, अपना तेल बदल लेना चाहिए था, ताकि उनको ये सब प्रॉब्लम्स आती ही नहीं। फ्रेंड्स, हार्ट प्रॉब्लम तो किसी को भी किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन इन सबका मेन कारण होता है जो आप गंदा खाना खाते हैं, गंदा तेल लेते हैं, यही सब हार्ट प्रॉब्लम का मेन रीजन है। तो आपको अगर चाहते हैं कि आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम ना आए, या आपको भी ऐसे एडमिट ना कराया जाए, एंड टाइम पर उतनी सारी परेशानियों ना झेलनी पड़े, तो आपको अभी से अपना खाना सही करना चाहिए। और अपना तेल भी, जो मैं हमेशा से बताती आई हूँ, देसी घी, कोकोनट ऑयल और बटर, इन्हीं तीनों में खाना बनाना चाहिए, बाकी किसी में खाना नहीं बनाना चाहिए। और जो गंदे यूटेंसिल्स हैं, वो भी बहुत बड़ा आजकल एक कारण हो गए बीमारियों का। आपको गंदे यूटेंसिल्स भी अपने घर से निकालने हैं, लाने हैं सिर्फ मिट्टी के बर्तन या फिर कास्ट आयरन, इनमें खाना बनाएं और खिलाएं। तो ये सब चेंजेस आप अपनी सेहत के लिए तो प्लीज जरूर करें। तो हम आपसे जुड़े रहेंगे इस खबर के बारे में, हम आपको और सारी जानकारी देते रहेंगे। तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुंचाते हैं।